की रात को धारा 144 के उल्लंघन पर दो अलग अलग मामलों में सैकड़ों लोगों पर केस दर्ज होने के बाद बुधवार देर शाम एसपी शिवदयाल सिंह सोनकच्छ थाने पर पहुंचे। उन्होंने सोनकच्छ में सभी त्योहार घरों के अंदर ही मनाने की बात लोगों से कही है। डोल 11 और मुहर्रम के त्योहार को लेकर शांति समिति के सदस्यों ने एसपी शिवदयाल सिंह से बारी बारी से मुलाकात भी की। बता दें कि उन्होंने सोनकच्छ आने पर सबसे पहले थाने की व्यवस्थाओं की समीक्षा की, फिर सामाजिक संस्थाओं, नगर के प्रमुख नागरिकों और पत्रकारों से भी चर्चा की। देवास से चेतन यादव की रिपोर्ट। ग्यारह को लेकर प्रतिबंधन दल और मोहरम समिति के लोग आपसे मिले थे, क्या कुछ चर्चाएं हुई? देखिए, अभी त्योहारों का टाइम चल रहा है, इस पर अपने थाने की जो व्यवस्थाएं हैं उनकी समीक्षा करने के हिसाब से, साथ के साथ ही जो भी सभी सामाजिक संगठनों के लोगों से, सभी नागरिकों से बातचीत करने के हिसाब से आज की बैठक थी। इसमें सभी लोगों को समझाइश दी गई है कि आने वाले त्योहारों में सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म्स हैं, सरकार शासन के जो आदेश हैं, उनका पालन किया जाए। साथ के साथ ही हमारे जो कोरोना काल में घर से बाहर निकलने के लिए कोशिश की जाए कि जब तक बहुत आवश्यक नहीं हो तब तक अपने घरों से बाहर नहीं निकलें, और किसी भी परिस्थिति में जब बाहर जाएँ तो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का फॉलो करें, पालन करें। इससे तो सब लोगों को समझाइश दी गई, सब लोगों ने एग्री किया है कि वो नियमों का पालन करेंगे। इस संबंध में मीटिंग रखी गई।